नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 16.2 के पार्ट नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली का नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अपन ने पढ़ लिया था। और अब अगली आकृति हमारी आ रही है बेलन। तो घन घनाभ बेलन शंकु और गोला इन आकृतियों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नों की इस प्रश्नावली में अपन परिचर्चा करेंगे। तो आज चल रहा है बेलन। तो पिछले दो वीडियो में मैंने बेलन के बारे में बताया था कि बेलन है, ये है हमारा पाइप है, हमारा पैन है, ये बेलन की त्रिज्या थी, ये बेलन की ऊंचाई थी और ये घुमावदार पृष्ठ वक्र पृष्ठ था, ये दो हमारे वृत्ताकार पृष्ठ थे। तो इसके सूत्र मैंने लिखाए थे कि बेलन का, याद दोबारा करा रहा हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था, याद कर लो, 2πRh। एक सूत्र तो ये लगेगा 2πRh वक्र पृष्ठ, यानी मैंने बताया था ये हमारा पैन है, वो बेलन है। तो इसका जो ये घुमावदार पृष्ठ है, ये पृष्ठ हमारा वक्र पृष्ठ है और जो नीचे और ऊपर ये दो वृत्ताकार भाग हैं, तो बेलन के आधार का या शीर्ष का या बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर। अब दो हैं तो दोनों का क्या हो जाएगा, 2πR2। एक प्रश्न आता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको मैंने लिखाया था सूत्र 2πRh + r, और एक लिखाया था बेलन का आयतन πR²h। बेलन का आयतन क्या बताया था, πR²h। और एक बेलन बताया था आपको खोखला बेलन, ये खोखला बेलन जैसे कोई मोटा पाइप हो, जैसे ये हमारे शहरों में हैं गंदे पानी की निकासी के लिए जो पाइप लगाते हैं, हैं ऐसे जैसे हमारे पेड़ पौधों को लगाने का जो गमला है ना, अगर वो सीधा हो तो वो बेलनाकार है, लेकिन ऐसा रहता है तिरछा, तो तिरछे को अपन शंकु कहेंगे, वो पढ़ेंगे बाद में। तो ये बेलन है। अब इस खोखले बेलन का, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, खोखले वक्र पृष्ठ का तो वही रहेगा, वक्र पृष्ठ का, अगर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का देखे तो बस 2πRh बार वाला, अंदर का पूछे तो 2πRh अंदर वाला। बार की त्रिज्या को अपन ने R1 माना था और इस छोटे वाली त्रिज्या को क्या माना था भाई, R2 माना था, R2। तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले, आपको इसके तीन सूत्र याद रखने हैं, खोखले बेलन का आयतन एक बार पक्के याद कर ले, उसके बाद में ही चलें। जब तक सूत्र याद नहीं हो वीडियो को वहीं रोक दें और याद करने के बाद में ही चलें, नहीं कोई फायदा नहीं है। खोखले बेलन का आयतन तो देखो πR²h होता है, क्या होता है आयतन, πR²h। तो r की जगह बस क्या आ जाएगा, R1²-R2²h, मतलब πR²h है ये, लेकिन दो त्रिज्याएं हैं, R1 बड़ी त्रिज्या है, R2 क्या है, छोटी त्रिज्या है। और एक खोखले बेलन का हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लड़कों देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh + r। तो ये जो r है इसकी जगह तो R1 + R2 आएगा और ये जो r है इसकी जगह R1 - R2 आएगा, बस
सूत्र को कंपेयर करके याद रखें, रट करके याद नहीं रखें। देखो इधर 2π आर आर की जगह क्या आएगा, R1 + R2, और दूसरे कोष्टक में एस तो है ही, और अगले आर की जगह क्या आएगा, R1 - R2। ये कैसे आया, ये मैंने पिछले वीडियो में निकाल करके बता दिया, तो आपको ये सूत्र कंठस्थ याद होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सूत्र आपके पक्के याद होने चाहिए। अभी याद कर लो, मैं चुपचाप खड़ा हूँ इतनी देर। फटाफट याद कर भाई, जब तक याद नहीं हो वीडियो को आगे न बढ़ाएं। हो गए होंगे याद, रोक लेना चाहिए वीडियो को, फास्ट लिखो भाई, साथ के साथ लिखना होगा, वीडियो में देखने वाले वीडियो को रोकेंगे। ये खोखला बेलन है, जैसे हमारे हाँ उंखड़ी होती है ना ये, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh, बेलन के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr², बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h + r, और बेलन का आयतन πr²h, और खोखले बेलन का आयतन πr²h होता है। देखो आयतन का ये याद रखे πr²h। अब r है ना, यहाँ दो हैं, तो r1 - r2 यानी r1² - r2². अब ये बेल खोखले बेलन का 2πr h + r होता है, तो इस r की जगह तो आप r1 + r2 रख दो, और इस r की जगह r1 - r2 रख दें। तो ये हमारा सूत्रों का काम कंप्लीट हुआ। पुनः वीडियो को शुरुआत करने से पहले बिना सूत्र यदि अपन चलते हैं है ना, तो ऐसे चलने के बराबर है जैसे तो कोई है आवारा पशु रोही में चल रहा हो, पता ही नहीं किधर जाना है। अब लीला बस इन प्रश्नों की होगी। प्रश्न पूछेगा, क्षेत्रफल देगा आर एच पूछेगा, क्षेत्रफल देगा आर पूछेगा, क्षेत्रफल देगा आर और एच पूछेगा, आर और एच क्षेत्रफल आयतन आर और एच, बस इतना सा मामला है। तो चलते हैं अपन प्रश्नावली की तरफ। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 जरा देखिए। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 है, ये करवा दिया था कि साहब, ऐसा लगता है करवा दिए थे पिछले वीडियो में। चलो क्या टाइम लगता है करवा दिए थे ये याद नहीं है। चलो ले लेते हैं। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एग्जाम्पल नंबर एक एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है भाई, यानी πr², ये बता दिया था यार ये प्रश्न पिछले वीडियो में, ध्यान नहीं है क्या आपको, तो फिर हाँ ये एक नंबर उदाहरण और दो नंबर उदाहरण पिछले वीडियो में हो गए थे। आज अपन 3 से 6 में कुछ प्रश्नावली के प्रश्न ले लेंगे। तो उदाहरण नंबर 3 देखो। एक बेलन का आयतन 448 πघनसेमी है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व क्या होता है भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए लड़कों, बेलन का आयतन कितना है, एग्जाम्पल नंबर 3, बेलन का आयतन ये बात दी गई है, बेलन का आयतन लिख लीजिए, बेलन का आयतन कितना है भाई, 448 πघनसेमी है, 448 πघनसेमी है, πघनसेमी है, क्योंकि आयतन की इकाई क्या होगी भाई, घन सेंटीमीटर है। ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई
एच बराबर 7 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई एच 7 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो उदाहरण में दोनों ज्ञात किए हुए हैं, प्रश्न में केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करवाया है। तो देखो बेलन का, एक बार सुनना जरा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई? सूत्र क्या आएगा? 2πRh। लेकिन देखो यहाँ r तो h तो दी हुई है, लेकिन r का मान पता नहीं, आयतन दिया हुआ है। तो इस आयतन से अपन क्या निकालेंगे भाई? r का मान निकालेंगे। परीक्षा में प्रश्न ऐसा ही आता है जिसमें, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई। पाई का मान वही पाई रहने दो, चाहे इसे आर का मान हमें ज्ञात करना है और एच का मान कितना है 7 और ये पाई, तो बराबर कितना हुआ भाई? 448 पाई। अब देखिए भाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 448 पाई आर स्क्वायर बराबर बटा, देखो आर स्क्वायर तो यहाँ है ही, 7 और पाई आ जाएगा, पाई इंटू सात, पाई से पाई कट गया, 7 से काट दो हैं, 7 × 42 बच गए 2 × 7 = 28, 64 बार कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना भाई? 64। तो आर का मान कितना आ जाएगा? आर बराबर अंडर रूट 64, तो 8 सेंटीमीटर। 8 × 64 होता है, 64 का वर्गमूल 8 आएगा, 64 का वर्गमूल कितना आएगा भाई? 8 आएगा 8 × 64। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एच का मान 8 रख देंगे, सॉरी आर का मान कितना है 8 और एच का मान कितना है भाई 7, जीरा एच का मान 7 आर का मान 8। क्लियर यहाँ तक? बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ऊपर क्यों लिख दी गई इसको? क्योंकि ये आयतन का सूत्र लगाएंगे, अगर यहाँ बीच में लिख देंगे तो ये बाधा उत्पन्न करेगी, दोबारा लिखना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन बराबर 448 पाई। बेलन के आयतन का सूत्र क्या है गणित में? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई। पाई का मान पाई, पाई क्यों रख लिया? क्योंकि इधर पाई है, पाई से पाई कट जाएगा बाद में। आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, एच की जगह हमारा 7 रख दिया। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आर स्क्वायर बराबर 448 पाई, बटे में पाई इंटू 7 चला जाएगा, पाई से पाई कट गया, 7 से कौन कटा? 448 कितने बार? 64 बार। तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 64। तो इम्प्लाइज आर बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगाएंगे? अंडर रूट लगाएंगे। तो आर बराबर कितना हो गया? 8 × 64 कहें तो आर का मान 8 सेंटीमीटर आ गया। अब बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh + r, तो 2 × 22/7 × 8 × 7। तो अब काटते हैं, देखो 7 से 7 गया 7 × 7 = 7 और 22 × 44 = 8, तो 8 × 32 = 32 हासिल की 3, 8 × 32 = 3 कितने हो गए भाई? 32 × 3 = 35, 352। अब देखो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो क्या आएगा भाई? वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न यहाँ तक ही लिखा हुआ है बेलन का, और उदाहरण में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इनमें निकाला हुआ है, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर संपूर्ण पृष्ठीय निकालो तो प्रश्न में लिखो पार्श्व पृष्ठीय व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ज्ञात करना है। तो लेकिन संपूर्ण की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं, लिख लिया होगा, लिखें जल्दी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो चौथा एग्जाम्पल क्या है कि एक खोखले बेलन की ऊंचाई, एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है। देखो खोखले
खोखले बेलन की, बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 डेसीमीटर। लड़कों डेसीमीटर, और आगे देखो सेंटीमीटर में दे रखा है। इसका अंतः व्यास और बाह्य व्यास 10 और 6 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। लड़कों डेसीमीटर क्या होता है? एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। हमारे स्केल पर 10 सेंटीमीटर लंबाई को एक डेसीमीटर कहते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है ना स्केल पर, स्केल लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा आता है, छोटा स्केल जो हमारे ड्राइंग बॉक्स में रहता है, और तो जितनी माप का लेंगे उतनी का मिल जाएगा। तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर हैं, तो 21 डेसीमीटर में 21 × 10 यानी 210 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई तो कितनी होगी भाई? 210 सेंटीमीटर। और बेलन का बाह्य व्यास, व्यास दे रखा है। देखो प्रश्न में ये विशेष ध्यान रखने की बात है, बेलन का बाह्य व्यास, बेलन का बाह्य व्यास, बाह्य व्यास कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? देखो सभी का यह समान होनी चाहिए। ये डेसीमीटर था, इसको सेंटीमीटर में चेंज इसलिए किया है सारी माप। अतः त्रिज्या, अतः बेलन की, बेलन की बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को लड़को अपन आर वन मानेंगे। क्या मानेंगे? आर वन बराबर कितनी होगी भाई? आधी हो जाएगी, 10 की आधी। 10 की आधी यानी 10/2 देन 5 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और फिर है बेलन की, बेलन का अंतः व्यास, बेलन का, बेलन का अंतः व्यास, बेलन का अंतः व्यास कितना है भाई? 6 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या बेलन की, बेलन की अंतः त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या जिसे अपन R2 द्वारा लिखेंगे तो 6/2 देन 3 सेंटीमीटर। तो R2 3 सेंटीमीटर है। अब क्या पूछा है? बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लड़को बेलन कैसा है? खोखला है। बेलन कैसा है भाई? खोखला। खोखला शब्द लिखेंगे यहाँ, खोखले बेलन, खोखला, खोखले बेलन, खोखले, खोखले। बेलन का अंतः व्यास R1, खोखला खोखला सबके लगाएंगे क्योंकि बेलन कैसा है? खोखला है। तो खोखले बेलन का, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का ये खेमे ये ना ये ऐसे मिलता है, ये बात है। खोखले बेलन का आयतन ये पूछा गया है। बस बाद में तो गणना का काम है, जोड़ बाकी गुणा भाग सबको आते हैं। क्या सूत्र लगना है भाई? पाई R² H। तो R² की जगह क्या लिखना है? R1² - R2² परीक्षा में ऐसे याद रखेंगे। तो बस अब गणना कर दो। कैसे करेंगे गणना? लेते हैं देखो 22/7 वेरी गुड इंटू R1 ये 5² माइनस 3² इंटू H का मान दे रखा है 210 सेमी। 21 की जगह 210 कैसे हुआ? डेसीमीटर चेंज इंटू सेंटीमीटर। एक डेसीमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर होता है। तो 22/7 इंटू 5 25 और 3 3 9 इंटू 210। 210 को काट दो, चाहे इसे बाद में काट देते हैं। 22/7 ये 25 में से 9 गया, तो 25 में से 9 गया तो कितना आता है भाई? 25 में से 9 जाता तो कितना आता है भाई? 16 आता है क्या? तो 16 लिख देंगे। 25 में से 10 जाएगा 15 आता है, 9 जाएगा 16 आता है इंटू 210। अब काटते हैं, 7 × 7 = 21 30 बार कट गया। अब 16 × 3 = 48 देखो गुणा करने आपको अलग से नहीं बैठना है। तो बराबर 22 × 16 = 48
सोलह ती अड़तालीस यानी 480। अब देखो 22 का पहाड़ा में आ जाएगा है, 22 का पहाड़ा में आ जाएगा। तो जीरो से कर दो जीरो, बाई घंटा कितना होता है भाई, बाई घंटा कितना होता है पहाड़ा नहीं आता है ना। तो देखो ऐसे कर ले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गुणा करने में, जीरो आठ दूनी सोलह का छः हासिल की, आठ दून बाई घंटा आ गया क्या 176 है, 176 आ गया तो छः हासिल की 17 है, बाई चौक 88, 88 और 17 कितना हो गया भाई, 8 7 15 का 5 हासिल की, 1 8 2 10 105, तो 105 ये लो पहाड़ा आता है बाई घंटा अगर 176, तो फिर आपका गुणा ही हो गया, फिर गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो इतना, अब ये क्या चीज़ है भाई, आयतन खोखले बेलन का, खोखले बेलन का, बेलन का आयतन बराबर 10,560 घन सेंटीमीटर, इकाई जरूर लगाएंगे नहीं परीक्षा में आधा नंबर कटेगा, घन सेंटीमीटर है, इतना आयतन है इसका खोखले बेलन का। लड़कों पुनः सुनिए, खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है, तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी होगी 21 में 21 इंटू 10 210 सेंटीमीटर। खोखले बेलन का भाई ये व्यास 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी होगी, इसको अपन आर वन से लिखेंगे 5। खोखले बेलन का अंत व्यास 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी 3 सेंटीमीटर। फिर खोखले बेलन का आयतन आपके सूत्र याद होना चाहिए, पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एच, पाई की जगह 22/7, आर वन की जगह हमारा 5, आर टू की जगह हमारा 3 और एच की जगह हमारा 10। अब बस गणना करनी है, गणना में 25 3 3 9 25 में से 9 गया तो 16 और 210 को 7 से काटा तो 7 थी 21, बिंदु की बिंदु आ गई। फिर हमें 22 का पाड़ा तो आता है, तो 16 थी 48 480 हो गया, तो 22 को 0 से किया 0, बाई अंटा 176, 176 का 6 हासिल की 17 और बाई चौक 88 17 105। फिर लिख दिया खोखले बेलन का आयतन 10,560 घन सेंटीमीटर है, लिख लिया होगा। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ, सुंदर प्रश्न है पांचवा भी। सारे ही प्रश्न अति सुंदर हैं। लिख लिया होगा, लिख ले फटाफट, लिख लिया लड़के। तो कौन सा भाई, अब पांचवा, पांचवा देखिए। एक बेलन, बेलन में विशेष ध्यान रखना, बेलन है खोखला बेलन है ना, खोखले के खोखला लगाया हुआ तो ही वो खोखला है और नहीं तो क्या है, बेलन है। एक बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, यदि बेलन का आयतन 3,234 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे अनुपात वाले प्रश्न परीक्षा में, प्रश्नावली में भी है। तो देखिए जब कभी भी अनुपात दिया गया हो तो उनका कोई ना कोई गुणा है, उनकी वास्तविक त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात होता है। तो अपन लिखेंगे, लिखो माना एग्जाम्पल नंबर 5, माना कि बेलन, बेलन की त्रिज्या आर व ऊंचाई ऊंचाई एच है, दिया है, दिया है बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात
ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तब बेलन की वास्तविक त्रिज्या बराबर आर, तो ऊंचाई बराबर 3R। देखिए ये क्या बात हुई, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। यदि ये 1 है तो ये 3 है, यदि 2 है तो ये 6 है, 3×2। यदि ये 3 है तो 3×3, तो अगर ये R है तो 3×R, तो ये हमारी ऊंचाई है। तो बेलन का आयतन दे रखा है, इससे अपन त्रिज्या और ऊंचाई निकालेंगे, उसके बाद में सूत्र लगेगा। तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है भाई, 3234 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का लिखना मत भाई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा भाई, 2πRH+R। हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास R और H होनी चाहिए, R और H होनी चाहिए। तो देखिए जो बात हमें दी गई है, इससे अपन R और H निकालेंगे, और बाद में इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऊंचाई है ना, वो ऊंचाई त्रिज्या की तिगुनी है। देखो ऊंचाई त्रिज्या की तिगुनी है, यही तो अनुपात है, त्रिज्या 1 है तो हमारी ऊंचाई 3 है, तिगुनी है। तो ऐसे प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न बोलते हैं इनको, बढ़िया प्रश्नों में है। आयतन दिया हुआ है, आयतन से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। तो हमें इस दी गई बात से R और H का मान निकालना है, वो R और H का मान इसमें रख के यहाँ आने के बाद भी तो प्रश्न सरल हो जाएगा। तो इससे अपन निकालते, देखो बेलन का आयतन यहाँ से अब लिखना चालू कर दे साथ साथ, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना भाई, 3234। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना भाई, आर का मान तो कितना है आर, और एच का मान कितना है भाई, 3R। यहाँ समझने की बात है भाई, देखो भाई माना वास्तविक त्रिज्या कितनी है R, तो R की जगह तो क्या लिख दिया R, और ऊंचाई की जगह कितना लिख दिया 3R, ऊंचाई की जगह कितना लिख दिया भाई 3R। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया R क्यूब। देखो 22×3×R³/7 बराबर 3234। समझ में आया नहीं, R आपस में गुणा हो गया, R क्यूब हो गया, ये 3×22 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, आर क्यूब बराबर 3234/22×2, तो 22×3 तो नीचे आ जाएगा, 7 क्या हो जाएगा भाई ऊपर, देखिए प्लीज 22×3 नीचे 7 ऊपर, क्या करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो आर क्यूब अब काटा पीटी करते हैं भाई। काटो भाई, 3 से कटता के 3×2 5×3 8×4 12 कटेगा 3 से, 3×3 3×3 देखो 2 उतारा बाघ टूट की बिंदु लगेगी, 3×7 21 बच गए 2, और कितने बचे भाई, 3×3 बच गए कितने भाई, 3×2 5 5×3 8 8×4 12 3×3 उतारा 2 बाघ टूट की बिंदु, 3×3 3×7 21 21 बच गए कितने 2, 2×8 24। अब आर क्यूब बराबर, अब ये यहाँ जगह नहीं है इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ, और इसको मैं अभी भी 22 से और काट रहा हूँ, हैं 22 का पाड़ा बोलेंगे 22×88
ऐसे देख के देख ले भाई, बड़ा भाग यदि हो तो आप देख लें, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 10 का 10, 10 7 17, 17 में से 8 गए तो 9, या 9 9 में से, और 22 9 में 198, भाई 9 2 18, 9 2 18 1 19, कट गया ना 49 बार, तो ये 49 बार कट गया। अब आर क्यूब बराबर दिखाई दे रहा है कि नीचे, आर क्यूब बराबर एक लाइन और लिख देता हूँ, आर क्यूब बराबर क्या हो गया, 49 तो कैसे बन गया, 7 × 7 × 7, और अब आर क्यूब का घनमूल निकलेगा, घनमूल ऑफ 7 × 7, तो देन आर बराबर कितना आ गया भाई, आर बराबर 7 सेमी, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, दिखाई दे रहा कैमरे में, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। बस अब एच का मान निकालेंगे, तो यहाँ ये सूत्र बाद में लगा दूंगा, तब एच बराबर, एच बराबर कितना है भाई, 3 आर, तो एच बराबर 3 × 7, तो एच बराबर कितना सेमी भाई, 21 सेंटीमीटर। एच कितना है, 3 आर, तो एच का मान, क्या गुरु जी डायरेक्ट ही एच क्यों लिख दिया, ये दो बात ही तो निकालनी है, आर और एच, आर और एच जब हमारे पास आ जाएंगी तो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दुनिया का हर कोई नागरिक निकाल लेगा, तो देखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा भाई, 2πr h + r, 2πr h + r, देन 2 × 22/7, r का मान 7, और 7 + 21 + 7, 21 + 7, तो कट जाएगा, 7 से 7 कट गया ये लोग, तो 2 × 22 × 21 + 7 कितना हो गया भाई, 28। इन सबको गुणा कर दो, 22 × 44 और 44 को 28 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई, देखो गुणा ऐसे कर दें, 22 × 184 = 17, 22 × 44, 44 × 17 = 61, फिर 2 से 6 × 12, 16 × 32, अब देखो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन का TSA टोटल सरफेस एरिया कितना है भाई, ये लो जी 12 32, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिखाई दे रहा भाई, लिख ले, पूरा लिख लिया होगा, अब देखो दोबारा समझिए कि एक बेलन है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या आर और ऊंचाई एच का अनुपात 1:3 है, इसका अर्थ ये निकला कि यदि त्रिज्या आर है यानी 1 आर, तो ये कितना है भाई, 3 आर, जैसे 2:3 होती तो इसको अपन 2 आर मानते और ये क्या आ जाती, 3 आर, तो बेलन का वास्तविक त्रिज्या, बेलन की वास्तविक त्रिज्या आर है तो ऊंचाई कितनी होगी, तिघनी होगी 3 आर, फिर बेलन का आयतन दे रखा है तो आयतन का सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आर का मान तो देखो क्या रहेगा, आर, और एच का मान क्या रहेगा भाई, 3 आर, एच का मान 3 आर, यहाँ सावधानी रखें, बस 22 × 3 आर क्यूब आर से, आर स्क्वायर आर से गुणा हुआ तो आर क्यूब हो गया, तो आर क्यूब बराबर हो गया 3234 × ये 7 ऊपर 22 × 3 नीचे, इनको काट पीट के और इनका घनमूल निकाला तो क्या आया, आर का मान 7 आया,
तो फिर H कितनी है, 3R, तो R की जगह 7 रख दिया, तो H का मान कितना आ गया, 21। इसके बाद में नीचे सब लोग कर सकते हैं 2πRH+R, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R की जगह ये 7 आया वो, और H की जगह ये 21 रख दिया, 7 से 7 कट गया, 21 से 7 कितना हो गया, 28। 21 से 7 कितना हो गया भाई, 28। 28 को 22 से, 22 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 1232 वर्ग सेंटीमीटर। लिख लिया। चलते हैं उदाहरण नंबर 6 की तरफ। उदाहरण नंबर 6, EXAMPLE एग्जाम्पल, यानी क्या होता है, उदाहरण 6। देखो, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर, और व्यास 1.4 मीटर है, और व्यास 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। देखो लड़कों, रोलर आपने देखा होगा, रोलर का आप आगे वाला पहिया देखिए, सही ना, वो क्या होता है, ऐसे तो लंबा होता है। अब जैसे ये है, इसको ये अब रोलर बन गया, इसको जैसे ये अपन जमीन पे घुमाएंगे, है ना, एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगी। रोलर है, रोलर का अगला पहिया याद आ रहा होगा, सड़क सबने देखी है, सड़क बनाते समय देखा है, रोलर का अगला पहिया है वो बेलनाकार होता है, तो बेलनाकार होता है तो उसकी इधर जो ऐसे चौड़ाई रहती है, ये तो उसका व्यास है, तो वो तो कितना है, 1.4 मीटर, मीटर में है 1.4 मीटर, यानी 1.5 मीटर से कम है, और ऐसे वो रोलर है ना, वो ऐसे कितना है, 2 मीटर है, नापते हैं तो 2 मीटर है। अब ये रोलर चल रहा है, मान लो ये निशान हो गया उसके, ये चल रहा है तो ये चलेगा आगे, ऐसे चलेगा तो पीछे जमीन समतल होती जाएगी, पीछे जमीन समतल होती जाएगी, तो कितनी होगी, एक चक्कर में इसके वक्र पृष्ठ, भाई जमीन पर कौन सा भाग टिकेगा, वक्र पृष्ठ टिकेगा, तो एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र हमारे बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। लड़कों, ये प्रश्न बोर्ड 2018 में आया, तो देखो बोर्ड 2018 में क्या आया, यही प्रश्न आया। अरे सही फेंकता है, लिख लें बोर्ड 2018, यही हल करके बताऊंगा मैं 2018 वाला ही। क्या प्रश्न आया देखो, एक रोलर की लंबाई, अब देखो 2 की जगह क्या किया उन्होंने, 2.5 मीटर, और व्यास 1.4 मीटर है, ये माप तो ऐसे कैसे रख ली कि 2.5 मीटर, 2 की जगह 2.5 मीटर कर दिया। तो आपने देखा होगा, मैंने जितने भी बोर्ड पेपर समझाए उनमें संख्याएं लगभग में चेंज हैं, तो कोई लड़का रटने वाला काम नहीं करेगा, रोलर वाले के इतने उत्तर हैं, रोलर वाले के इतने उत्तर हैं, मतलब आपको समझ करके ही और फिर प्रश्न हल करने पड़ेंगे। तो देखते हैं, हाँ 1.4 मीटर है, ज्ञात कीजिए कि शब्दों में कोई चेंज नहीं है, ज्ञात कीजिए कि अब देखो यहां भी उन्होंने चेंज किया कि 10 चक्कर लगाने में, उन्होंने ये चेंज कर दिया कितना, 10 चक्कर लगाने में
अब तो बस रोलर कितना क्षेत्र, रोलर कितना क्षेत्र, कितना क्षेत्र समतल करेगा, समतल करेगा। रोलर का काम क्या है, हमारी भाषा में सड़क को क्या करता है, चीत देता है, चीतता है लड़का, समतल कर देता, दबा देता उसको, है ना। तो ये देखो क्या चेंज हुआ, एक तो ये चेंज हुआ, पांच की जगह दस और दो की जगह क्या ढाई, और कहा भाई अब कर तेरे को कितने नंबर मिलेंगे, तीन। और हमारे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 24 आप देखना फिक्स है, क्वेश्चन नंबर 24 में प्रश्नावली नंबर 16 से प्रश्न आएगा। अब 16.1 से आज तक प्रश्न नहीं आया है, आज तक का मतलब है ये 2018-19-20 में, और पहले तो आया है। तो इन तीन साल के पेपर से ये हमें अनुभव हो जाएगा कैसा प्रश्न आना है। तो इस प्रश्नावली में ये इन उदाहरणों में यही प्रश्न अलग था और यही आ गया बस, देखो। तो अब हमें ये प्रश्न बड़ा आसान है, प्रश्न हार्ड नहीं है छोरे, प्रश्न बड़ा आसान है। क्या है कि रोलर कैसा है, बेलन के जैसा। तो रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई है, रोलर की लंबाई क्या है, बेलन की ऊंचाई है, सही। उस रोलर को, ये रोलर है, इसको ऐसे खड़ा कर दे तो हमारा जैसे बेलन जैसा बन गया, ये तो क्या हो गई इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई दो की जगह क्या हो गई ढाई। नीचे है, नीचे वर्ताकार भाग गई, इसका व्यास 1.4 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी 0.7 मीटर हो जाएगी। अब वो एक चक्कर में समतल जो जमीन करेगा वो इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगी। तो पहले अपन इसका क्या ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो 10 चक्रों में समतल किया गया क्षेत्रफल आ जाएगा, या किताब वाला करें तो 5 चक्रों में, ठीक है भाई। तो बोर्ड वाला ही करता हूं मैं, ठीक है, ये प्रश्न आप कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये जमाने में, तो हल लिखेंगे भाई, हल लिखेंगे। बेल रोलर, रोलर मींस बेलन, बेलन की लंबाई, लंबाई कोष्टक में क्या हो गया भाई, ऊंचाई है, एच बराबर ढाई मीटर, ढाई मीटर। रोलर क्या है भाई, बेलन, रोलर मींस क्या है भाई, बेलन का व्यास, का व्यास बराबर कितना भाई, 1.4 मीटर। देन त्रिज्या, तब त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर बराबर 1.4/2 बराबर कितनी हो गई, 0.7 मीटर। अब यहाँ में एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि रोलर के एक चक्कर लगाने में, रोलर द्वारा एक चक्कर लगाने में समतल क्षेत्र बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब लड़को रोलर के एक चक्कर, एक अंग्रेजी गणित में लिख दे, एक चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्र बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर है, तो 10 चक्रों में क्या हो जाएगा, हमारा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 10 से गुणा हो जाएगा, तो लास्ट में लिख देंगे वो। तो सूत्र लग क्या लगाएंगे भाई, 2πRh, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.7 और एच की जगह 2.5 मीटर। लड़को इस प्रश्न में 2 और 2.5 का ही अंतर है, बाद में तो 5 से और 10 से गुणा बाद में करना पड़ेगा, चलिए प्लीज। तो इससे क्या हो जाएगा, 2.5 क्यों दिया है आपको ध्यान होना चाहिए, कि विद्यार्थी जो दशमलव से डरते हैं है ना, वो प्रश्न को यहीं छोड़ देंगे, क्या दशमलव का जोड़ बाकी गुणा भाग मुझे नहीं आता तो मैं कैसे करूं, तो दशमलव का जोड़ बाकी आना चाहिए, 7 से काट दो भाई, है भाई, हाँ। तो देखो 2 × 22 × ये 22/7 × 7/10, ध्यान रखना दशमलव उठाया, एक का लगाया, जीरो लगाया, और हैं 2.5 का भी दशमलव उठा दें, वैसे दसवीं में ऐसा करते नहीं है,
डायरेक्ट ही काटा पिटी करेंगे, ठीक है ना, दसवीं में तो, लेकिन समझाने के तौर पे दशमलव हटा दी इनकी, सात एकम सात, कट गया भाई, हैं काटो, पांच दूना दस पचम पच्चीस हो गया भाई, देखो सात से सात कट गया, पांच दूना दस पचम पच्चीस, दो से काट दो, दो एकम दो, दो एकम दो, फिर पांच एकम पांच, पांच दूना दस, फिर दो एकम दो, ग्यारह दूना बाईस, तो कितना भाई, ग्यारह वर्ग मीटर, कितना क्षेत्रफल समतल करेगा, ग्यारह वर्ग मीटर। अब एक चक्कर में ग्यारह वर्ग मीटर, तो दस चक्कर में ग्यारह इंटू दस, ग्यारह इंटू दस तो लिखेंगे, इसलिए दस चक्रों में, इसलिए दस चक्रों में, दस चक्रों में समतल किया गया क्षेत्र, किया गया क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई, 11 इंटू दस बराबर 110 वर्ग मीटर। वो 110 वर्ग मीटर को क्या कर देगा, 10 चक्रों में समतल कर देगा। एक बार लिख लें, फिर एक बार में और समझा देता हूं, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, आपको टेंशन नहीं करनी है, बोर्ड के पेपर में 24वें नंबर का प्रश्न ये आएगा, लिख ले भाई। रोलर जब चलेगा तो उसका वक्र पृष्ठ ही टिकेगा, और वक्र पृष्ठ जब टिकेगा और रोलर एक चक्कर लगाएगा तो जमीन समतल हो जाएगी। तो एक चक्कर लगाने में समतल क्षेत्र बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2πRH है, तो 2 × 22/7 × 0.7 × 2.5, पहले पॉइंट उठा लिए मैंने, पॉइंट उठा लिए तो सात के नीचे 10 लग गया, 25 के नीचे 10 लग गया, काटा पीटी की तो 11 आ गया। तो 10 चक्रों में समतल किया गया क्षेत्र क्या हो गया, 110। अब यहां क्या किया है, थोड़ी लंबाई बढ़ा दी, दो की जगह क्या कर दी भाई, ढाई कर दी। ये हमारे उदाहरण है, वो 16.2 से जो पहले हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वो पूरे हो गए हैं। अब अपन कुछ प्रश्न हल करते हैं, तो अलग वीडियो बना देता हूँ।